पूरे देश में अब उम्मीदवारों की जो सूची जारी की जा रही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, बिहार की हमारी जो लोकसभा के उम्मीदवारों की सूची मैं आपके सामने रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री सम्माननीय नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी के निर्देशानुसार हम तीनों दलों के नेता, जदयू के हमारे अध्यक्ष माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नित्यानंद जी, लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पशुपति जी, जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा के नेता माननीय आरसीपी सिंह जी, मंच पर उपस्थित लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल के नेता विधायक श्री राजू तिवारी जी, श्री गांधी जी, वरिष्ठ मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी, श्री नीतीश मिश्रा जी, मैं आपके सामने लोकसभा क्षेत्र के अनुसार उम्मीदवारों के नाम और दल के नाम मैं आप लोगों के नाम सामने सूची को पढ़ता हूं। क्रमांक एक वाल्मीकि नगर, श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो, जनता दल यूनाइटेड। दो, पश्चिमी चंपारण, डॉक्टर संजय जायसवाल, अभी वर्तमान सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी। तीन, पूर्वी चंपारण, श्री राधा मोहन सिंह जी, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी। चार, शिवहर, श्रीमती रमा देवी, वर्तमान सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के। पांच, सीतामढ़ी, डॉक्टर वरुण कुमार, जनता दल यूनाइटेड। छह, मधुबनी, श्री अशोक कुमार यादव, भारतीय जनता पार्टी। सात, झंझारपुर, श्री रामप्रीत मंडल, जनता दल यूनाइटेड। आठ, सुपौल, श्री दिलेश्वर कमेर, जनता दल यूनाइटेड। नौ, अररिया, श्री प्रदीप सिंह, भारतीय जनता पार्टी। दस, किशनगंज, श्री महमूद अशरफ, जनता दल यूनाइटेड। ग्यारह, कटिहार, श्री दुलाल चंद गोस्वामी, जनता दल यूनाइटेड। बारह, पूर्णिया, श्री संतोष कुमार कुशवाहा, जनता दल यूनाइटेड। तेरह, मधेपुरा, श्री दिनेश चंद्र यादव, वर्तमान में अभी बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, जनता दल यूनाइटेड। चौदह, दरभंगा, श्री गोपाल जी ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी। पंद्रह, मुजफ्फरपुर, श्री अजय निषाद, वर्तमान में सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी। सोलह, श्रीमती वीणा देवी, लोक जनशक्ति पार्टी, पूर्व विधायिका रह चुकी हैं। सत्रह, सोलह, वैशाली, श्रीमती वीणा देवी, लोक जनशक्ति पार्टी। सत्रह, गोपालगंज, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जनता दल यूनाइटेड। अठारह,
सिवान श्रीमती कविता सिंह जनता दल यूनाइटेड 19 महाराजगंज श्री जनार्दन सिंह सीगरीवाल भारतीय जनता पार्टी 20 सारण श्री राजीव प्रताप रूड़ी भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज और सारण दोनों वर्तमान सांसद हैं 21 श्री हाजीपुर श्री पशुपति कुमार पारस जी मंच पर उपस्थित हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं 21 हाजीपुर श्री पशुपति कुमार पारस जी लोक जनशक्ति पार्टी 22 उजियारपुर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय जी सांसद भी हैं मंच पर उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी 23 समस्तीपुर श्री रामचंद्र पासवान अभी सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी 24 बेगूसराय श्री गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी 25 खगड़िया लोक जनशक्ति पार्टी इस पे उम्मीदवार अभी एक दो दिन में अनाउंस करेगी इसलिए खगड़िया में लोक जनशक्ति पार्टी एक आध दिन में उनको अनाउंस करेंगे 26 भागलपुर श्री अजय कुमार मंडल जनता दल यूनाइटेड वर्तमान में विधायक भी हैं 27 बांका श्री गिरधारी यादव वो भी अभी विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड 28 श्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जी बिहार सरकार के मंत्री हैं जनता दल यूनाइटेड मुंगेर 29 नंबर नालंदा श्री कौशलेंद्र कुमार अभी सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड 30 पटना साहिब श्री रवि शंकर प्रसाद जी अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी 31 पाटलिपुत्र श्री रामकृपाल यादव वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से 32 आरा श्री राजकुमार सिंह अभी केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी 33 बक्सर श्री अश्वनी कुमार चौबे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं वरिष्ठ नेता हैं 34 सासाराम श्री छेदी पासवान भारतीय जनता पार्टी 35 काराकाट महाबली सिंह जनता दल यूनाइटेड 36 जहानाबाद श्री चंद्रवेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जनता दल यूनाइटेड 37 श्री सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में सांसद हैं 38 श्री विजय कुमार माझी जगह गया 38 गया श्री विजय कुमार माझी जनता दल यूनाइटेड 39 नवादा श्री चंदन कुमार लोक जनशक्ति पार्टी और 40 जमुई लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष और जो वर्तमान सांसद हैं श्री चिराग कुमार पासवान जी ये 40 सीटों में 39 सीटों के नाम मैंने आपको कहे हैं इसके अतिरिक्त नवादा की जो विधानसभा है नवादा की विधानसभा जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी और उनके उम्मीदवार श्री कौशल यादव जी होंगे डेहरी की जो विधानसभा का उपचुनाव है उस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवार की घोषणा एक दो दिन में की जाएगी मीडिया के सभी मित्र यहां पर उपस्थित हैं और हमारे जो एनडीए का गठबंधन है बिहार में बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की घोषणा भी संयुक्त रूप से
तीनों दल चला करके बिहार की 40 की 40 सीटों को जिताने का हमारा एनडीए का पूरा संकल्प है, उस पे आगे बढ़ेंगे। आज की ये पत्रकार वार्ता हम लोगों ने एक सूची मीडिया के माध्यम से सभी लोगों के सामने देने के लिए बुलाई थी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस वक्त आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी ने अपने यानी कि एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और आपको ये भी बता दें, अब से थोड़ी देर पहले विशाल मेरे सहयोगी जिन नामों की बात कर रहे थे उन पर मोहर लग गई है, क्योंकि जी न्यूज ने इससे पहले आपको पहले ही अपने सूत्रों के हवाले से जो नाम बताए थे उनका ऐलान हुआ है। विशाल, बिल्कुल देखिए पायोधी, जिन नामों की चर्चा हम कर रहे थे उनको एक बार फिर आप ये कह सकते हैं जी न्यूज की जो सूची थी उस पर मुहर लगी है, उन लोगों को टिकट मिला है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा अगर किशनगढ़ की हम बात करें तो वहां से महमूद अशरफ चुनाव लड़ेंगे। और आप जिस तरह से अभी हम भूपेंद्र यादव को सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में एनडीए एक साथ चुनावी रैलियां करेगा और बाकायदा एक एक सीट का जो कि जेडीयू एलजेपी और बीजेपी के बीच बंटवारा हुआ है उसका कैंडिडेट के बारे में भूपेंद्र यादव बहुत ही बारीकी से बता रहे थे। आरा से आरके सिंह को टिकट मिला है, इसके अलावा राजू प्रताप रूड़ी भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो आज बिहार से बीजेपी ने और एनडीए के जो अन्य दल हैं बिहार में उन्होंने नाम का ऐलान कर दिया है और अब आगे की लड़ाई अब देखने ही होगी, क्योंकि महागठबंधन भी बहुत जल्द आगे की अपनी रणनीति बिहार में शुरू करने जा रहा है। क्योंकि पयोधी, उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे ये राज्य हैं जो कि 120 सीटें लोकसभा की अपने आप में रखते हैं और इन्हीं दो राज्यों से दिल्ली का रास्ता तय होता है, इसीलिए सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश और बिहार पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सारे गठबंधन महागठबंधन की प्रयोगशाला यूपी बिहार ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहीं से आगे की जो तस्वीर होगी 2019 में यानी कि जो ताज है वो विशाल हम मुंगेर की बात कर रहे थे, बेगूसराय की बात कर रहे थे, भागलपुर की बात कर रहे थे कि अदला बदली हुई है, वो भी वैसा ही बिल्कुल सटीक विश्लेषण जो जी न्यूज ने किया था वैसा ही हुआ और उन्हीं के जो प्रत्याशी हैं वो बदले गए हैं बीजेपी जेडीयू बीजेपी और एलजेपी में। तो ये आगे डिटेल आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। शांतनु, इस पे आपका रिएक्शन, क्योंकि कुछ नाम नए हैं, रविशंकर प्रसाद पहली बार और गिरिराज सिंह की सीट को बदल दिया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर ये कहें बाहरी चेहरे नहीं आए हैं इसमें। आई थिंक बिल्कुल ठीक कहा। पहली बार मैं जी न्यूज को बधाई देना चाहूंगा कि विशाल ने जो नाम हमें बताए थे, जिस सूत्रों से नाम बताए थे, उस तरह के नाम ही हमें सुनने को मिल रहे हैं मोटा मोटा। रविशंकर प्रसाद ठीक ने कहा, वो राज्यसभा से थे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखिए पार्टी की इंटरनल बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें विनेबिलिटी मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फैक्टर होता है। पहले तो आपस में सीट शेयरिंग हुई गठबंधन के तीनों दलों में, उसके बाद लेकिन तीनों दलों ने आके सामने से प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी, तो एक साथ में एकजुटता दिखाती है कि तीनों ने सामने से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जी। और तीनों मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, तो आई थिंक मुकाबला बहुत अच्छा और टक्कर का होगा और अच्छे नाम दिख रहे हैं, बहुत सारे पुराने नाम भी हमें देखने को मिले। गिरिराज सिंह जी की सीट हाँ बिल्कुल बेगूसराय हुई है, लेकिन बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, मेरे ख्याल से सीट उनके लिए मायने नहीं रखती, ठीक है, अच्छा कॉन्टेस्ट होगा एक। शांतनु आ रहे हो, दीपक देखिए भाजपा की जो अभी टिकट डिक्लेयर किया है एक तरीके से फ्रस्ट्रेट मानसिकता कुंठित मानसिकता का प्रतीक है, क्योंकि इन्होंने अपने कैंडिडेट्स को सीट, इनको यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे कैंडिडेट जीत सकते हैं, इसलिए कैंडिडेट को इतना चेहरा बदला जा रहा है, इतने लोगों का टिकट काट रहे हैं, नए चेहरों को इधर से उधर कर रहे हैं, तो इसका मैसेज क्या है? भी तो मजबूरी इसका, की इसका, दी है ना, इसका मैसेज क्या दे रहे हैं मैं आपको बता दूं। ये मैसेज दे रहे हैं जनता को कि भाई कोई बात नहीं, मोदी के नाम पे हम चुनाव लड़ेंगे, चेहरा अगर काम नहीं किया है तो पांच साल हम दूसरा चेहरा आपको सांसद केंद्रीय कृषि मंत्री इसमें है और क्या चाहिए, और एक दो सीट तो सबको बदलनी है, आपने भी तो भाई गठबंधन जो सामने है उसने भी तो मजबूरी में सीट दी है। गठबंधन मिलके लड़े, दो मिलके लड़े, 40 लोगों का गठबंधन है, ये क्या कमजोर थोड़ी ना है, 40 पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को कहते हैं महामिलावट महागठबंधन, ये कहा कि इनके तो महागिरावट वाला गठबंधन, गठबंधन में तो फूट भी नजर आई, बताऊंगी रोहित। पायोधी मुझे लगता है देखिए जो गठबंधन का जहाज चला था, आप देखेंगे कर्नाटका से बेंगलोर से होते हुए बिहार होते हुए और लखनऊ तक पहुंचा था, उसकी स्थिति क्या आज पूरे देश में हम देख रहे हैं, और जिस तरीके से भूपेंद्र यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने कहा कि 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो जीतने जा रही है बिहार के अंदर, आप देखेंगे तो बिहार के अंदर जेडीयू हो चाहे एलजेपी हो बीजेपी, एक
एक मजबूत गठबंधन पहले से हो चुका है। उनका नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने क्लियर कर लिया। और आप जिस ठगबंधन की बात करेंगे, मिलावटी बंधन की बात करेंगे, उनका नेता है ना नीति है ना नियत है, पता नहीं क्यों होने वाला है। अभी तक गठबंधन का पता नहीं है। वही कांग्रेस पार्टी का देख लें, कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को नेता मानने जरूरी नहीं है। एक और गठबंधन का नेता, हमारे नेता तो मजबूत है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रोहित जी, ये देश प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करता है, ये देश सांसदों का चुनाव करता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नेता तो पता होना चाहिए ना, आपके पास नेता है ना नीति है ना नियत है। हमारे पास एक मजबूत नेता है, निर्णय लेने का जिसके अंदर क्षमता है, नरेंद्र मोदी जी के सरेंगे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है। आपने कहां पर गठबंधन हुआ है? कहां पर? आज जमीन पे था, अगर मैं देखे बिहार में आज तक सीटों का नहीं पता, उत्तर प्रदेश में दो बूंद दिए हैं पोलियो की, आप देखिए ना दिल्ली के अंदर पता, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के मंच पर आके खड़ा हुए, ममता बनर्जी ने लात मार दी, ना बंगाल में गठबंधन का पता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो देखिए विकास पे चुनाव लड़ रही है, विनाश पे चुनाव लड़ रही है। जनता पार्टी एक निर्णायक भूमिका में, उन्होंने कहा देखिए मायावती जी ने कहा कि एक मजबूत सरकार, हमारे का एक मजबूत सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में। रोहित हो गया, रोहित हो गया। दीपक, मेरा सवाल आपसे ये, आप लोगों ने गठबंधन तो एक व्यक्ति विशेष के लिए ही बनाया है ना, तो फिर अगर किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो फिर दिक्कत क्यों भैया? गठबंधन मजबूत, कोई दिक्कत नहीं है। कहां दिक्कत, तो भ्रम फैलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा कि उनके पास नेता नहीं है। भाई साहब, हिंदुस्तान का कौन है बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, अमेरिका नहीं है, 40 प्रधानमंत्री है आपके, यहाँ पर नरेंद्र मोदी है, हर रोज नया प्रधानमंत्री बन जाता है। नरेंद्र मोदी का चेहरा आप लेके चलिए ना, यहाँ पे गठबंधन, यहाँ पे गठबंधन डिसाइड करेगा, डिसाइड करेंगे ना भैया, पहले अरे बेकार दिया है, बहुत सारे काबिल नेता है, कोई भी प्रधानमंत्री बंधन ने नकार दिया, मायावती ने नकार दिया, आप भाजपा में कहाँ पर गठबंधन मोदी जी का पार्टी कांग्रेस पार्टी भारतीय हम विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं और ये लोग विनाश पे चुनाव लड़ रहे हैं, देश को बांटना, जाति धर्म, या तो आप दोनों कर लीजिए डिस्कशन, आप दोनों कर लीजिए डिस्कशन, फिर जब ऑडियंस को कुछ समझ ही नहीं आएगा तो आप लोगों के बोलने का कोई फायदा नहीं है ना, एक एक करके बात कीजिए। अभी तो लिस्ट जारी हुई है, रोहित अरविंद निषाद सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। अरविंद निषाद, गिरिराज सिंह को नाराज कर दिया आप लोगों ने, आपको काफी अच्छा बोलते हैं। अब मैंने आपसे सवाल पूछा दोनों में से किसी से, आप दोनों शांत हो जाइए। देखिए ये सामूहिक निर्णय है, एनडीए का ये सामूहिक निर्णय है। सामूहिक निर्णय के तहत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नवादा से बेगूसराय शिफ्ट किए गए हैं, या जो अन्य जो सीट एक्सचेंज हुआ है, तीनों दलों के सामूहिक सामंजस्य से, तीनों दलों के शीर्ष नेताओं से विचार विमर्श के उपरांत इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि पूरी रणनीति के साथ एनडीए में शामिल सभी दलों के नेताओं ने कैसे हम 40 में 40 सीट जीते, इसके लिए पूरी रणनीति से हम लोग उतरे हैं मैदान में और 40 में 40 सीट हम विजयी होंगे। विशाल, अरविंद निषाद तो 40 से 40 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं, पिछली बार की 22, इस बार की 17 का नहीं, वो सीधा 40 सीटों की बात कर रहे हैं विशाल। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने यूपी बिहार को बहुत नजदीक से कवर किया है, अगर मैं बात करूं मुस्लिम वोट की और यादव वोट की, तो क्या वो महागठबंधन की तरफ, जो महागठबंधन हुआ है उसमें सारा वोट आ जाता है? तो क्या जो नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट मिलते थे और जिस तरह से उम्मीदवारी चुनावी रण में उतारे गए हैं, क्या वो बचा पाएंगे या फिर स्ट्रैटेजी कुछ और होगी, इसको समझिए। देखिए पयोधी, अगर हम मुस्लिम और यादव वोट बैंक की बात करते हैं बिहार में, तो वो जो महागठबंधन बना है उसकी तरफ ही जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ। ये साफ तौर पे, और इस पर मेरे ख्याल से जो हमारे वहां पे पैनलिस्ट बैठे हैं इस बात को वो भी स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर बिहार की राजनीति में कुछ और समीकरण की बात करें, अगर महादलित को आप देखेंगे या एससी वोट बैंक को देखेंगे, तो वो एनडीए की तरफ आ सकता है बिहार में। इसके अलावा जो अपर कास्ट वोट है वो पूरी की पूरी तरह से एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, भूमिहार वोट एनडीए गठबंधन को मिल सकता है अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखें। हाँ। इसके अलावा बिहार में दो पहलू और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक नीतीश कुमार का चेहरा, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा ऐसा है जिसके नाम पर हर बिरादरी का वोट उनके साथ आता है, चाहे यादव बिरादरी का ही वोट क्यों ना हो, वो भी थोड़ा विशाल में रोकूंगी। केसी त्यागी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए। केसी त्यागी साहब, उम्मीदवार तो आपने उतार दिए हैं, हालांकि गिरिराज सिंह को आपने अलग दे दिया, रविशंकर प्रसाद इसमें आए हैं, क्या लग रहा है कि महागठबंधन के सामने पूरी टीम तैयार है, पूरे योद्धा तैयार है आपके? देखिए महागठबंधन कुछ निराश और ईर्ष्यालु और विद्वेष की राजनीति करने वाले लोगों का गठबंधन है। जीतन राम मांझी हमारे साथ थे, कुशवाहा जी हमारे साथ थे, शरद यादव जी हमारे साथ थे, और पिछले चुनाव में
मुकेश सहनी बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे थे, तो तीन चार दल तो हमारे यहीं से निकल करके गए हैं जो नीतीश कुमार जी से ईर्ष्या विद्वेष की राजनीति करते हैं। एक काम जरूर हुआ कि हमने कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में 40 सीटें दी थी, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के प्रयास से संभव हो पाया था। आज उसी कांग्रेस पार्टी को अब तक की सबसे कम टैली पर छोड़ दिया गया, 9 सीटों पर छोड़ दिया गया है, और आरजेडी ने अपने सहयोगियों के लिए 11 सीटें सुरक्षित कर ली, यानी कि 20 और 11 31। सर, और कांग्रेस पार्टी को हम लोग 40 पे लाए थे, त्यागी साहब आपके दल से निकले दल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्या? संघर्ष है और एलजेपी जेडीयू और बीजेपी का जो मत प्रतिशत है जी 2014 के चुनाव के मद्देनजर वो 52% से ज्यादा है, इसलिए वहां पर चुनाव नहीं है, वहां पर तो इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार हैं अच्छे उम्मीदवार चुने गए हैं। हमने गठबंधन की घोषणा सबसे पहले की, सीट शेयरिंग की सबसे पहले की, और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी आज। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल छोटा सा है सर, मुझे ब्रेक लेना है। अभी अरविंद निषाद कह रहे हैं कि 40 सीटों को लेकर हमारा फोकस है, 40 पर कब्जा होगा, तो क्या 22 ही बचानी है या 40 ही टारगेट है? अच्छा फोन कट गया उनके साथ, चलिए ठीक है। मैं कह देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 40 के 40 सीटें, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं जिस तरीके से है, और जो हमारे वहाँ पे नेता नीतीश कुमार जी ने काम किया है, और चाहे वो जेडीयू और कोई परेशानी नहीं, 40 ही 40 भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार देगी। 23 तारीख को उन्होंने कांग्रेस जाएगी, आप देखिएगा 23 तारीख को राहुल गांधी ने नकार दिया, आप लोगों का गठबंधन ने नकार दिया, आप दोनों को समय दे दिया बहरहाल। लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें, आप जरूर मतदान करें, जी न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है। और एक बात ये कि फैक्ट्स के साथ हर इलेक्शन ब्रेकिंग जी न्यूज सबसे पहले आपको दिखाएगा, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं।